अब आया रिंग की एक्सेस पे। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या हमने जो दूसरा चार्ज सिस्टम दिया जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। और कहां निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो एक्सिस पर हमें निकालनी है, यानी कि व्हाट वी हैव अ रिंग ऑफ चार्ज क्यू। यस सर, अ रिंग ऑफ चार्ज क्यू एंड द पॉइंट एंड रेडियस इज आर, लेट्स से, एंड द पॉइंट एक्स मान लेते हैं, तो ये एक्स डिस्टेंस पर पी पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो क्या करें सर अब इसमें? वही एलिमेंट लेकर पहले, अगर मैं चूंकि कंटीन्यूअस बॉडी है तो एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लिया मैंने, इसके कारण वही तिरछा डी आया। अभी अपनी चर्चा हुई थी कि उसके दो कंपोनेंट्स कर नहीं होंगे, तो एक जनरल पॉइंट डी जो है उसके दो कंपोनेंट्स, डी कॉस अल्फा डी साइन अल्फा। पर यहाँ एक सिमेट्री के कारण एक मजेदार बात भी निकल कर आई मेरे को, जैसे नीचे वाले के कारण निकालेंगे, वंडरफुल, ऐसा ही एक एलिमेंट इधर पकड़ लो और इसकी वजह से अगर इधर देखता तो इधर आ जाता, तो इधर आ जाता। अब इसका जो DE साइन अल्फा वाला टर्म है वो कैंसिल, वो कैंसिल हो जाता, यानी कि इसकी एक बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्सिस ओनली। यस, एंड देयरफॉर इट्स लाइक इसको मैं फॉर नाउ अगर मैं 2DE cos अल्फा लिख दूं, saying that DE cos alpha is contribution of one। ठीक है, और जब मैं बस हाँ मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं पेयर वाइज जोड़ रहा हूं, तो जब इंटीग्रेशन करूंगा तो जीरो से क्यू ना करकर जीरो से क्यू बाई टू। ये वही बात है कि मुझे 50 तक नंबर जोड़ने, तो मैं एक दो तीन चार करके जोड़ू, और मैं जोड़ो में जोड़ूंगा तो मेरे को आधे जोड़ो में ही काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सर इवेंचुअली ये जैसे इन दोनों का कैंसिल हुआ, कोई भी दो जोड़ा लूंगा सबका कैंसिल हो जाएगा ये। बिल्कुल, एंड देयरफॉर इवेंचुअली मेरे को जो ई बचेगा वो सर एक्सिस के अलोंग ही बच रहा है। ठीक है सर, और एक्सिस के अलोंग उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए, मैं टू लिख रहा हूं, आप चाहे टू ना लिखकर उसको केवल DE cos alpha का भी इंटीग्रेशन कह सकते हैं। ये अब DE इस एलिमेंट के कारण, yes, जो कि हो जानी चाहिए K इसका DQ, yes, तो DQ को लिख सकता हूं Q अपॉन 2 pi R इनटू जो इसकी लेंथ है DL, DL, yes, तो ये K DQ और आगे cos alpha का टर्म तो हाई अपॉन R स्क्वायर दूरी ये वाली, yes, तो यहां पर मैं X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहां पर मैं बॉदर नहीं कर रहा हूं कॉस थीटा साइन थीटा लगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, तो मुझे इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इंटीग्रेशन में सर मेरी एक ही चीज बची डीएल, डीएल। ओके, तो जब मैं बाकी सब कांस्टेंट्स को बाहर निकाल दूंगा, लाइक 2k cos अल्फा को भी बाहर निकाल दूंगा और सिंप्लीफाई भी कर लेंगे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो मेरे को इंटीग्रल डीएल का ही करना है। यस सर, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई r होगा सर, लेकिन आपने 2 लिख रखा है। एग्जैक्टली, तो यहां भी जो मैं बात पेयर वाइज की कर रहा था, तो डीएल का समीशन भी आधा ही रिंग इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा हो जाएगा क्योंकि जोड़े का कर रहे हैं, तो ये आ गया पाई आर। और कॉस अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो ई क्यू भी होगा सर, इनटू यहां पर एक क्यू भी होगा, ई अलोंग एक्सिस हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अलोंग द एक्सिस, जहां पर मैंने कॉस अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहां अल्फा, तो बेस x अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यस सर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस आ गया। बिल्कुल सर, ओके, यहां पे एक 2 पाई r और था, ये 2 पाई r यहां पे था, तो उसको भी सिंप्लीफाई करके यही आएगा, यही रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे, kqx अपॉन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकल के आया है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो इफ यू पुट द वैल्यू x इक्वल टू जीरो जब आप पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको साफ साफ दिखाई दे रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आ रही है, जो क्वाइट ऑब्वियस भी है, बिकॉज अगर आप रिंग के सेंटर पे बात कर रहे होंगे तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी कैंसिल हो जाएगी, तो ऑब्वियस एक ही पॉइंट पर सबकी कैंसिल हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगी, तो x बराबर जीरो पे आ गया। नाउ इफ आई पुट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी,
अगर मैं x इक्वल टू इनफिनिटी डालूंगा तो कंफ्यूजन लग रहा है कि सर ऊपर भी x है नीचे भी x है, पर थोड़ी मैथ्स अगर आपको आती हो तो नीचे x की पावर 3 है, ऊपर x की पावर 1 है, यानी नीचे जो x की पावर है वो डिसाइड करेगी कि क्या इसकी वैल्यू होने वाली है, और x की पावर 3 नीचे है, 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? आपको लगा सर x स्क्वायर है, पावर में 3/2 भी तो है, तो x की पावर 3 नीचे है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहां पर निकालेंगे तो वो भी 0 ही आने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आने वाली है इन्फिनिटी पे। इसका मतलब है सेंटर पे 0 है, इन्फिनिटी पे 0 है, तो डेफिनेटली अगर कोई चीज यहां पे 0 है, इन्फिनिटी पे 0 है, तो पहले बढ़ी होगी फिर घटी होगी। बिल्कुल सही बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अगर हम बात करें ई वर्सेज एक्स का ग्राफ अगर हम खींचे, एक्स 0 से हमारा मतलब सेंटर, एक्स इन्फिनिटी मतलब एट द एंड ऑफ द एक्सिस, तो ये पहले बढ़ती है और फिर घटती है, ये इस तरह से किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम आती है, आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, शायद उसकी वैल्यू r बाई रूट टू आती है, अब वैल्यू डालकर आप ई मैक्स भी निकाल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आती है, एंड चाहे जस्ट चाहे तो इधर सिमेट्रिकल ग्राफ, बिल्कुल ऊपर की दिशा अगर ऊपर होगी तो नीचे की दिशा नीचे, तो इसका मतलब सर ने ऊपर की दिशा को पॉजिटिव और नीचे की दिशा को निगेटिव मानते हुए ग्राफ को इस तरह से बना दिया, वो माइनस r / √2 हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ, बिल्कुल सही चीज उठाई सर ने, ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, इस पर कई तरह के सवाल इसी पर बन सकते हैं। और जो अच्छी बात सर ने मैथ्स जो इसमें बढ़िया खेला सर ने, सर ने कहा कि भाई देखो यहां भी 0 था यहां भी 0 था, कंटिन्यूसली फंक्शन जनरेट, तो यही ऑप्शन ही बचता है बस, वैल्यू बढ़ी होगी हाँ, फिर घटी होगी हाँ, अगर एक से ज्यादा बार ऐसा होना होता तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। तो आपने बोला कैलकुलस, बिल्कुल वो डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो एक ही बार आ रहा होगा, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि वो एक से ज्यादा बार घट बढ़ सकता, लेकिन इतना जरूर है कि पहले बढ़ाओ फिर घटाओ, ये तो तय है, वरना 0 से 0 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा रिंग की फील्ड। ओके, अब आते हैं डिस्क। तो डिस्क जो है, अब देखिए वही जैसा हमने कैलकुलस में बेसिक फंडामेंटल सीखा था, एक चीज हमें आती है तो हम उसका यूज करके आगे, उसको एलिमेंट मानकर यूज करके आगे यूज कर सकते हैं, यानी डिस्क कैन बी कंसीडर्ड एज मल्टीपल रिंग्स। तो अगर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क दे रखी है तो आप इसको मान लीजिए कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग्स का कलेक्शन दे रखा है, और इस कलेक्शन के कारण अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हर रिंग के कारण निकाल के जोड़ देनी है, दिशाएं भी सर सेम ही होंगी। बिल्कुल, तो जो सर ने कहा मैं उसको ड्रॉ कर देता हूं, फिर जैसे सर बोलेंगे मैं आई स्टार्ट राइटिंग। सर आपने बोला इस डिस्क में मैं कई सारी रिंग्स मान लूं, तो मैंने एक रिंग मान ली लेट्स से स्मॉल r रेडियस की, ठीक है, और मैंने इसकी इंफॉर्मेशन दे दी थी जब आप समझा रहे थे कि चार्ज डेंसिटी सरफेस एरिया पर जो स्प्रेड है यूनिफॉर्म ही लिया सर, ठीक है, आर इसका रेडियस, एक्स वो कहा मतलब जिस पॉइंट पर फील्ड निकाली है, तो आपने कहा एक मैंने ऐसा रिंग लिया और ऐसे कई, और ये एक्स तो मेरा फिक्स्ड ही है, यहां पर मैंने फील्ड निकाली है, तो इस टुकड़े के कारण पहले तो अगर सर ये टुकड़े का चार्ज मान लिया, मैंने अभी लिख देता हूं डी डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमने लिखा था डीई बराबर के डी क्यू एक्स डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ठीक है अलोंग द एक्सिस। यस सर, बढ़िया। अब वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ डी क्यू इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल स्मॉल आर, अग्रीड। तो डी क्यू की वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा सर, अगर हमें पता है यहाँ पे डी क्यू क्या है। अच्छा, सिग्मा से ही कर दूं मैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो हमारे पास डी क्यू क्या है, इस पार्टिकल का चार्ज, इसका एरिया हमें पता होना चाहिए। हाँ, तो आपने वो कट करके सीधा करने वाला सिखाया था, सिग्मा इंटू 2πrdr। अब एक अच्छा काम और भी हो गया वैसे कि हमारा वेरिएबल एक ही रह गया। बिल्कुल सर, मतलब डी क्यू आर दो कैरी करते, एक्स भी तो वेरिएबल है, एक्स कॉन्स्टेंट है इस पोजीशन पर, एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, उसकी चिंता ना करें, आर और हमारे पास आर ही वेरिएबल रह गया, डी क्यू को आपने सब्स्टिट्यूट करा दिया। दस ई निकालने के लिए अब मुझे केवल मैथ्स लगानी है, तो वो हम लोग नहीं लगाएंगे, लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, के सिग्मा 2π इंटीग्रल ऑफ आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 सब्स्टिट्यूशन 0 टू कैपिटल आर जाएगा। यस, इसका लिमिट 0 टू कैपिटल आर जाएगा, यहां पर इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैथ्स में आप सीखे जैसे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर आर लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर या टी मान लें तो आपका आंसर आ जाएगा। कूल, इसका आंसर क्या आएगा सर? सर इसका फाइनल आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये थीटा क्या है सर? ओके, तो आंसर की वजह से मैंने इसको मैनिपुलेट कर दिया। दरअसल ये वाला जो एंगल है, अगर मैं पेरिफेरी से जॉइन करूं तो कोन बनेगा सर। ओके, उस कोन का वर्टिकल, कोन का सेमी वर्टिकल, सेमी वर्टिकल एंगल है ये, इधर से जॉइन करते वक्त ये पूरा थीटा थीटा जाएगा। और वैसे आप देखें तो ई का एक्सप्रेशन, इसको इंटीग्रेट करके जो सही फॉर्म आती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्म आती थी, वो मैंने इसको इंटीग्रेट किया था। तो पर बच्चे इसके साथ साथ अगर इसको भी याद रख लें
तो कई बार एंगल दिया हो तो वैल्यू फील करना सर होता है, ये एक्सप्रेशन आ गया अलोंग द एक्सिस। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा हुआ। अब इसमें एक इसका इसका कोरोलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर मैं इनफाइनाइटली लार्ज शीट जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है, उसकी वजह से फील्ड निकालना चाहूं, फील्ड इन इट्स विसिनिटी, अब ये वर्ड भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, इन विसिनिटी। वैसे तो ये बात इनफिनिट रॉड के लिए भी थी, मैं थोड़ी मैथ्स के हिसाब से बोलूं, एक 10 मीटर हमने वहां पर फाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड ली थी, तो मैं बोलूं 100,000 किलोमीटर लंबी रॉड थी और उससे 2 मीटर पर निकाल रहे थे, तो उस 100,000 किलोमीटर की रॉड को मैं इन्फिनिटी रॉड मान सकता हूं। पर अगर एक 10 मीटर की रॉड है तो क्या उससे भी इन्फिनिटी माना जा सकता है? वेल, वन ऑफ द आंसर्स इज यस, माना जा सकता है। अगर उस 10 मीटर की रॉड से मैं 1 माइक्रोमीटर पर, 1 mm पर भी अगर मैं फील्ड निकालूं तो नियरली वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो एक मैं इन्फिनिटी को एक रिलेटिव टर्म की तरह ही और ऑब्जेक्टिवली अगर सोचूं, वो बात मैं यहां पर क्यों ला रहा हूं, सर हमने डिस्क की वजह से निकाला, अगर मैं डिस्क को इनफाइनाइटली लार्ज मान लूं, यानी वो जो थीटा बनाया था, या फिर यूं कहूं उसका आर टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दूं, तो एक इनफाइनाइटली लार्ज डिस्क की वजह से फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ बनकर आएगा। मानता हूं कि उसका शेप सर्कुलर है, ये फॉर्मूला हर शेप ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज शीट के लिए होगा, उस पर भी मैं आऊंगा। तो अगर मैं कहूं कि एक इनफाइनाइटली लार्ज डिस्क जिसकी जिसका ये आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब टेंडिंग टू इंफिनिटी इसके मुकाबले, इस एक्स के मुकाबले आर बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ जिसको कि मैथ्स में हम लोग टेंडिंग टू इंफिनिटी बोल सकते हैं, इसलिए द वर्ड विसिनिटी। तो अगर मैंने विसिनिटी बोल दिया तो फिर वही बात, आर अगर 10 मीटर भी है तो 1 mm पर भी मैं इस 10 मीटर की डिस्क को इनफाइनाइट डिस्क मान सकता हूं। इसको जब उस एक्सप्रेशन में जो हमने पीछे यहां डिराइव किया है इसमें हम फीड करेंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में, इसमें अगर मैं लिमिट डाल देता हूं ये वाली, तो मेरे को E का एक्सप्रेशन निकल कर आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इंटरेस्टिंगली इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। दूसरा मुद्दा बढ़ जाता है कि सर ये तो डिस्क था और जब हम लिख रहे हैं वो इनफाइनाइटली लार्ज शीट के लिए, तो शीट में आप डायग्राम्स में बुक्स में देखेंगे तो ऐसा भी बना होता है, तो उसका भी बड़ा आसान सा कारण है, अगर कोई इनफाइनाइट डिस्क है और उसकी इंफिनिटी वाली पोजिशन पर मैं थोड़ा सा पोर्शन ऐसे कट कर दूं तो यहां उसकी वजह से यहां पर फील्ड में परिवर्तन नेग्लिजिबल होगा, तो फिर तो मैं पेरिमीटर से उसके कट करके कोई सा भी शेप बना दूं, कैसी शेप हो, और उसकी मैंने कट बाउंड्री पर करा है ताकि वो लार्ज शीट जैसा बिहेव करे, तो भी फील्ड का एक्सप्रेशन नियरली सेम रहता है। बाय ऑल दीज आइडियाज इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर सर मैं इसको मैथमेटिकल जोक के फॉर्म में रखूं तो मैंने कहा कि आपने कहा कि इनफाइनाइट शीट के लिए ये होता है, मैंने कहा हाँ इनफाइनाइट शीट के लिए ये होता है, आपने कहा कि सर आपका ये फॉर्मूला तो डिस्क के लिए था, मैंने कहा हर इनफाइनाइट शीट डिस्क होती है, आपने कहा कि इनफाइनाइट शीट डिस्क कैसे होती है, मैंने कहा गो एंड चेक, चेक जाके देखा वहां पर, इनफिनिटी इज समथिंग वेयर यू नेवर गो, आई कैन गो, तो इफ यू कैन नेवर गो देन बिलीव मी आई एम योर बॉस, आई एम योर टीचर, और जब जिस दिन वहां पहुंच जाओ फिर अगली बार में बता दूंगा, नहीं अगर यहां पहुंच जाओ पहुंच जाके बात करना, तो उसका नाम इन्फिनिटी नहीं है, हाँ जाओ पहुंच जाओ, जा फिर तो पहुंच जाओगे, उसका नाम इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी का सर कह रहे वो मान लो है ना, अदरवाइज जब वो कॉर्नर पर कटिंग वाली बात कर रहा उससे फिजिक्स में मतलब मैथ से भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सर इसकी दिशा में एन कैप ऐसा करके एनसीईआरटी वगैरह मेंशन होता है, यानी शीट के पैरेलल, तो इसकी विसिनिटी में परपेंडिकुलर, तो उसके परपेंडिकुलर फील्ड आ जाएगी लार्ज शीट के। अगर मैं इसका साइड प्रोफाइल दिखाऊं आपको तो ये कई बार इस तरह रॉड की तरह का डायग्राम बना होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक टर्म अभी आगे आएगा वो कुछ इस तरह की दिखाई जाती है इक्विस्पेस्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है वहां पर इस पर्टिकुलर डायग्राम का वर्शन आपके साथ डिस्कस कर लेंगे हम लोग, पर लार्ज शीट की विसिनिटी में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नाउ द वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, लार्ज शीट की विसिनिटी में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। बिल्कुल, अगले पन्ने पर आते हैं। yes. तो ये जितनी भी हमने ज्योमेट्रीज पढ़ी या कुछ ज्योमेट्रीज वो भी जो हमने अभी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। उनके लिए एक्सप्रेशंस बने पड़े हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ये हमने निकाला ही था एक्स डिस्टेंस पर, अगर मैं इसमें वेक्टर फॉर्म में देना चाहूं तो यहां पर ये एक्स कैप आ जाएगा, ये हमारा रिंग के कारण था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में देना चाहूं तो ये अलोंग द एक्सिस आ जाएगा, फिर उसके बाद अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, ये एक्स के फॉर्म में वही स्ट्रक्चर है, अगर यहां पर मैं थीटा बना दूं तो ये चीज ये वाली चीज को
और ये वाली चीज सिग्मा के सब्स्टिट्यूशन से है सर, है ना। तो ये सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू वन माइनस कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, अगेन अलोंग द एक्सिस। ये आप सब कॉपी कर लें और नोट्स में इसको ऐड कर लेंगे। लार्ज शीट की भी हमें भी बात कर रहे थे, अगर वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो परपेंडिकुलर टू द शीट आ जाएगा। उसके बाद मैंने जो अल्फा बीटा लिया था, इसका बीटा अल्फा ऑपोजिट है, तो उससे मैसअप नहीं कर दें आपकी यहां पर उल्टा क्यों लिखा हुआ है। ये EXEY मैंने अल्फा ऊपर बीटा नीचे लिया था, यहां बीटा ऊपर अल्फा नीचे, तो इसलिए एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आया है। आई कैप और जे कैप में ये फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर उसकी लैम्डा दी होती तो। और आगे बढ़े तो ये कुछ वो चीजें हैं जो हमें आ गई। बिल्कुल, इनके ये जो फॉर्मूले हैं ये वो फॉर्मूले हैं जो भी हमने डिराइव नहीं किए हैं। हो सकता है कि हम आगे चल के जब गॉस लॉ पढ़ेंगे हम डिराइव कर लेंगे, बट वी रियली रिकमेंड यू टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला राइट अवे, अभी याद कर लें। जिसमें से ये अगला फॉर्मूला है, एम्फसाइज कर देता हूं, इट इज अ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यानी एक स्फेरिकल शेल है, उसके बाहर चार तरफ उसके ऊपर चार्ज है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि सिग्मा अगर लिखे तो लिख दिया q upon 4 pi r square, total charge q is given. तो उसकी electric field की बात करें तो उसकी inside हर point पर electric field zero होती है। यानी uniformly charged sphere spherical shell के अंदर के हर point पर electric field zero होती है। It is also known as shell theorem. तो इस shell theorem की तरह से भी जानी जाती है। पर ये याद रखिएगा कि in हमेशा हर point पे zero होता है। सरफेस पे और सरफेस के बाहर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यू कैन एज्यूम कि दिस स्फीयर इज नथिंग बट अ पॉइंट चार्ज कैप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो यानी उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास सिंपल वही पॉइंट चार्ज वाला आ जाता है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, विच इज वर्किंग फॉर द सरफेस ऑल्सो। तो सरफेस का दो मायने निकाल देंगे। बिल्कुल, सरफेस में इसकी वैल्यू इन्होंने लिखी इतनी आ रही है, बट ये सरफेस का जस्ट एक्सटर्नल पॉइंट। मैं इसको ये जब कह रहा हूं तो अगर जो सर्वे वाला अगर सरफेस प्लस पे पूछ रहा है बिल्कुल तो ये डिफाइन कर दूंगा। तो बिकॉज इफ यू आर अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड कि द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू आर, देन द डिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू आर, defining the value at x equal to r is a meaningless. We can yes. only talk about the left hand limit, we can only talk about the right hand limit, but we can never ever tell the exact value at the surface, because surface plus surface in iski baat kar sakte hain jo yahan pe likha hai. It is a not continuous function, the graph aise aayega, pehle zero aur fir badhke yahan par. To sabse zyada kahan hota hai, surface ke just bahar. To sabse zyada electric field surface ke just bahar hoti hai. अगली पॉसिबिलिटी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब सिर्फ इतना है कि अंदर भी चार्ज है, आगे जाके हमें पता चलेगा कि कंडक्टर अंदर चार्ज रख नहीं सकता, इसलिए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग लिखा है। डोंट गेट कंफ्यूज, जब भी आपको अंदर भी स्फीयर के चार्ज दिखाई दे तो इसका मतलब है वो सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी है। उस केस में जो फॉर्मूला है डेरिवेशन से आ जाएगा, पर सेंटर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ऑब्वियसली, एंड इनसाइड अगर हम बात करें किसी जनरल पॉइंट एक्स पर जाकर कि जनरल पॉइंट एक्स पर, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। इसका एक दूसरा फॉर्म भी है सर, वो भी लिख देता हूं, रो एक्स अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये भी इसका ये फॉर्म है। In terms of row, अगर आप q और k की वैल्यू डालेंगे जैसा सर ने लिखा हुआ है तो आपका यही आंसर आएगा। इस बार सरफेस पे डिफाइन है, इस बार सरफेस पे डिफाइन है क्योंकि E की वैल्यू KQ by R square आ रही, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए डिफाइन है। और E out के लिए फिर वही कि यू कैन एज्यूम कि इट इज नथिंग बट अ पॉइंट चार्ज कैप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो आपका ये फॉर्मूला आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसमें कोई पूछे कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है तो वो है सरफेस, इस बार सरफेस बेस्ट वर्ड होगा। ठीक है, इसमें nobody can locate the exact position where electric field is maximum, but you can just say कि this is just above outside of the surface, but where you can never बता ही नहीं सकते आप। Discontinuity कारण। इसी प्रकार सर सिलेंडर्स का भी तो सिलेंडर में भी दो पॉसिबिलिटी आती है, एक हॉलो और एक सॉलिड। तो ये सबसे पहले सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लिखा हुआ है, पर यहाँ पे एक वर्ड जो यूज हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जबकि सॉलिड है तो अंदर भी चार्ज है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो साहब ने कहा कि एक पतली लाइन डिफाइन करते हैं, पतली लाइन पर, यहां कैसे? तो बेटा यहां पर इसका रो डिफाइन है मान लो, और इसका अगर एक मीटर लेंथ हमने कंसीडर किया तो एक मीटर में कितना चार्ज आ रहा है उसकी बात करें। बिल्कुल, तो एक मीटर में कितना चार्ज आएगा तो रो इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू वन, तो ये हमारा लैम्डा है। तो वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज लैम्डा इट इज रो पाई आर स्क्वायर। व्हाई इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा, व्हाट इज द बेनिफिट
बेनिफिट ऑफ इट, तो दे हैव गिवन इट इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा, बिकॉज अगर बाहर की दुनिया में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यू कैन एज्यूम दिस होल सिलेंडर इज नथिंग बट अ स्ट्रेट वायर, इनफाइनिटली लॉन्ग वायर, इनफाइनिटली लॉन्ग, ऐसा इनफाइनिटली लॉन्ग होना जरूरी है, नहीं तो हमें फॉर्मूला नहीं पता है, ये इनफाइनिटली लॉन्ग नहीं होगा तो हमें फाइन फॉर्मूला नहीं पता, फाइनाइट का फॉर्मूला हमें नहीं आता, ये फाइनाइट लॉन्ग के लिए फॉर्मूला सही है, ये याद रखिएगा। तो इसके लिए एक्सिस पर जीरो बाहर 2k lambda x by r square which is also written as rho x by 2 epsilon not, बिल्कुल, किसी डिस्टेंस अगर x पर जाते तो ये हो जाता, और बाहर की दुनिया में अगर आपको निकालना है तो अस्यूम इट इज अ स्ट्रेट वायर, आप एक वायर मानिए, उसको चिपका दीजिए, वायर मानिए और सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, उसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही आता है 2k lambda y x जैसा वायर के कारण आया था। प्रिसाइसली, तो सर ये टेबल ये कॉपी करके इसको तो याद ही कर लें जैसा कि आपने सजेस्ट करा, और ये बाद वाली डेरिवेशन जो हमने नहीं करी है ठीक है वो आप गॉस लॉ में, पर सर एक मैं रियली चाहता हूँ कि आप एक हॉलो पाइप का भी बता दें फॉर्मूला। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, तो जिस तरह बच्चों ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का है, तो अगर मेरे को लॉन्ग हॉलो सिलेंडर हो, यस सर, और उसकी चार्ज डेंसिटी कुछ ले लेता, लैम्डा ही ले लेता पर यूनिट लेंथ, यानी एक आपको चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ में जब भी निकालना हो, एक मीटर का सिलेंडर कंसीडर करिए और देखिए उस पर कितना चार्ज आ रहा है। ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, तो ये हॉलो और सारा चार्ज इसकी सतह पर है। सर ने सजेस्ट किया कि मैं, मेरे जहन में सिग्मा चला था, पर सर मेड इट इजी कि आप लैम्डा लीजिए, उसका एडवांटेज अभी सर ने उसमें बताया था, यहां भी शायद वैसे ही एडवांटेज आप उठा लेंगे। तो आई वाज थिंकिंग ऑफ सिग्मा, Yes, पर आपने कहा कि नहीं, लेट्स हैव लैम्डा, तो मैंने लैम्डा लिया, एंड दे आर रिलेटेड, सिग्मा इनटू 2 पाई आर इज लैम्डा। अगेन सर ने वही थीम यूज करके बताया, इस बार आपने वही सिग्मा इनटू 2 पाई आर 1 मीटर का लिया, तो ये एक नई चीज और सिखा दी आपको, क्योंकि सर कई बार अच्छे सवालों में इसी तरह का गेम होता है। बिल्कुल, मेरी जो थॉट थी वो जो बायस थॉट है कि मुझे सर लगा ना कि सॉलिड है तो रो ही होना चाहिए भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर मुझे लगा कि सरफेस है तो सिग्मा ही होना चाहिए, पर सवाल बनाने वाला आपसे एक कदम आगे रह सकता है, तो वो आपने सिखा दिया कि रिलेट करना सीखो, बिल्कुल। तो सिग्मा इनटू 2 पाई आर ये मैं मन में रखूं तो मेरे को डरने की वैसे ही जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये लांडा और सिग्मा मैंने मेरे मन में माना हुआ था, ठीक। अब इसमें अंदर का, अंदर के हर पॉइंट पर सर जैसे स्फीयर था उसी तरह यहां पर भी जीरो ही आएगा, इनसाइड सर जीरो आएगा, और बाहर के लिए सर मैं ट्रिक समझ गया, क्योंकि आपने स्फीयर में भी वो यूज किया, आपने सॉलिड सिलेंडर में, तो यहां भी संभव था इसको पूरे को श्रिंक करके एक वायर बना लूं, तो 2k लैम्डा बाय आर, वंडरफुल। तो ई आउटसाइड सर, एक और मुझे सिमेट्री टाइप की फील आ रही है, yes, sir. हॉलो स्फीयर वाले से, तो सर इसकी सतह पर भी वैसे स्टोरी काइंड ऑफ होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, तो टू मतलब सतह पर वही स्टोरी, मतलब डिस्कंटिन्यूटी वाली, बिल्कुल। तो इसको मैं लिख दूं 2k लैम्डा बाई एक्स एक्स, दैट मेक्स इट इजी, और अब सिग्मा के टर्म में इस बार बच्चे खुद ही कन्वर्ट, बिल्कुल। तो इस बार इसका भी ग्राफ बिल्कुल सर ने बोला था वैसे ही आएगा कि अंदर के हर पॉइंट पे जीरो और सडनली उसके बाद ऐसा आएगा, ये हाइपरबोलिक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है, स्फीयर में हाइपरबोलिक नहीं था, वहां पे 1/r² था, उसका नाम मैंने नहीं बोला था, यहां नाम इसलिए बोल पा रहा हूं कि आई नो द नेम, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। तो दिस इज द वे वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब हम इसके सवाल देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के सवाल कैसे आते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर फोर्स कैलकुलेशन के सवाल कैसे आते हैं। तो सर ये इनको यही तक हमें इस तरह की बात इसकी करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर शिफ्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। बिल्कुल।